Hi. So in this video, we are going to cover the first chapter of How Finance Works by Mihir Desai. So I will be using a combination of Hindi and English language to explain the chapter. And let's first get some insight on how we are going to cover the particular book, right? तो पहले पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, दिस बुक इज अ वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड. दैट मीन्स इट इज नॉट लाइक इंडियन ट्रेडिशनल बुक्स वेयर देर आर अ लॉट ऑफ थियोरी एंड यू हैव टू मार्क देम अप, राइट? इट इज दिस बुक इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाया गया है और उसको उसके साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल का लिंक दिया हुआ है. सो दिस वी विल एम्फसाइज मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग इन द सेम वे द ऑथर वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दिस बुक. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टू हेल्प यू डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंट्यूशंस, वी आर गोइंग टू प्ले लिटिल गेम. दिस 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 Okay, how safe it is related to company, how financial rewarding it is, how much. So, पूरे फर्स्ट पेज में यहाँ पे बोला है कि हम लोग हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड थ्रू आउट द बुक, राइट? हम लोग कैसे करेंगे, तो मेकिंग सेंस ऑफ द नंबर्स, टेक अ लुक एट एवरी वन वन व्हिच बैकबोन ऑफ चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विद कंटेंट. ओके, सो यहाँ पे भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे बस बोला है ये वाला टेबल देखने के लिए और यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करने के लिए. तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये टेबल एक बैलेंस शीट है. ओके, और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज का नाम दिया है, ए बी ए से लेके एन तक. हमें इन इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करना है ना? वी हैव टू आइडेंटिफाई देम. सो लेट्स टेक अ गुड लुक एट द बैलेंस शीट बिकॉज दिस इज द एज इट सेज इट दिस टेबल इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो बैलेंस शीट परसेंटेजेस, तो ये बेसिकली परसेंटेज टर्म्स में है. मतलब टोटल एसेट्स के का कितना परसेंट, लेट्स से कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कितना परसेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल में कितना, इन्वेंटरीज में कितना, अदर करंट एसेट्स में कितना, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना, अदर एसेट्स में और टोटल एसेट्स. सिमिलरली अगर टोटल 100 यूनिट्स ऑफ लाइबिलिटीज है, देन नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, बाकी ये सब टोटल क्लासिफिकेशंस में कितना कितना शेयर है, परसेंटेज है, वो दिया है. और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं, दिस इज फाइनेंशियल रेशियो. ओके, सो पहले यहाँ पे करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज है, कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अकाउंट्स रिसीवेबल बाय करंट लाइबिलिटीज है, इन्वेंटरी टर्नओवर, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, टोटल डेट बाय टोटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म डेट बाय कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यू बाय टोटल एसेट, नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ईबिट बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, ईबिटडा रेवेन्यू. तो अगर कंपनी ए की बात करे, तो यू कैन सी दैट कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब ये कंपनी ए काफी हद तक लिक्विड है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स आर इन कैश. सिमिलरली अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब जितना वो अपने डेटर्स से रिसीव करने वाला है. देन इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज काफी मतलब स्टॉक हैवी कंपनी है ए. अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स में क्या आता है, अदर करेंट एसेट्स में बहुत सी चीजें आ सकती है, बट मोस्टली दे आर वेरी लिक्विड. सो 1% इन अदर करेंट एसेट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट.
नेट यहाँ पे मतलब माइनस डेप्रिसिएशन, अदर एसेट्स 13%, तो टोटल बन गया 100। लाइबिलिटीज देखते हैं, लाइबिलिटीज मतलब बेसिकली इन एसेट्स को कैसे फाइनेंस किया गया है। नोट्स पेएबल इज 0, अकाउंट्स पेएबल इज 41%, तो सो मच इज ड्यू टू क्रेडिटर्स, राइट। काफी उधारी वगैरह लेता है ये ए कंपनी। एक्रूड आइटम्स 17%, अदर करंट लाइबिलिटीज 0, लॉन्ग टर्म डेब्ट 9%, अदर लाइबिलिटीज 7, प्रेफर्ड स्टॉक 0, शेयर होल्डर्स इक्विटी 25%, टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी 100%। और यहाँ पे बेसिकली इन आइटम्स को एक के साथ एक डिवाइड किया गया है टू कम अप विथ सम यू नो सॉलिड ग्राउंड्स, टू कम अप विथ सम सॉलिड ग्राउंड्स ऑन विच टू मेजर द पार्टिकुलर कंपनी, कि पर ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज मेजर्ड थ्रू आउट थ्रू दिस फाइनेंशियल रेशियोज। सिमिलरली ये हमने ए का कैलकुलेट किया, आप बी का देख सकते हो कि बी में जैसे इन्वेंटरीज 38% इन्वेस्टेड इन्वेंटरीज, तो बी भी काफी स्टॉक हैवी कंपनी है, इन्वेंटरी हैवी। तो इन्वेंटरी आपको क्या लगता है, इन्वेंटरी हैवी कौन सी कंपनी होगी, मतलब किस लाइन में बिजनेस करने पर इन्वेंटरी ज्यादा होती है? फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे टेक्नोलॉजिकल या फिर जो कंपनीज मोबाइल बेचती है उनका काफी स्टॉक हैवी होता है, राइट। वो स्टॉक पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है, दे हैव अ ह्यूज स्टॉक। वो स्मार्टफोन्स हो गया या फिर कोई मेजर टेक्नोलॉजी जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब में काफी इन्वेंटरी हैवी कंपनी है, इन्वेंटरी हैवी बिजनेस है। और कौन सी इंडस्ट्री बिल्कुल भी इन्वेंटरी हैवी नहीं है, FMCG, FMCG, नो नॉट FMCG, व्हाट यू कॉल, लेट्स से कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, देन जीरो इन्वेंटरी, दे विल हैव जीरो इन्वेंटरी, राइट। फॉर एग्जांपल ई को देख लेते हैं, जी को देख लेते हैं, एम को देख लेते हैं, दीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज, एन को देख लेते हैं। उसके बाद और क्या एनालाइज कर सकते हैं, अच्छा हाँ, ये अदर एसेट्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये अदर एसेट्स में क्या आता है। अदर एसेट्स में आता है लेट से गुडविल आता है, इनटेंजिबल कोई एसेट आ गया। कोई कंपनी जब दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है तो वो कंपनी जो जिसको एक्वायर कर रही है उसका जो गुडविल है वो अदर एसेट्स में चला आता है। इस बुक में फर्दर समझाया है, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ कि ऐसा होता है कि सपोज कंपनी ए का टोटल जो नेटवर्थ है दैट इज लेट्स से 50 रुपीज, नाउ इन दिस नेटवर्थ देयर गुडविल इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। बिकॉज एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, उसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग करते वक्त जिनका वैल्यू एसर्टेन नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनिटरी वैल्यू, उनको अकाउंटिंग में नहीं कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन सपोज बी कंपनी ने इसको एक्वायर किया, तो बी कंपनी क्या 50 यूनिट्स में परचेस करेगी इसको? नहीं, कई ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में करेगी, लेट्स से 100 100 में किया। तो ये जो डिफरेंस आता है इसमें कई सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, बट उनमें से एक है एसर्टेन्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, कि गुडविल में जैसे ब्रांड वैल्यू आ गया कि सपोज मैं कोका कोला खरीद रहा हूँ, कोका कोला का जो ब्रांड है, कोका कोला का एसेट चला गया, लायबिलिटी चला गया, बाकी जो कि मतलब जो टेंजिबल एसेट्स थे उनका तो मैं वैल्यूएशन कर लूंगा, लेकिन जो गुडविल है कोका कोला, कोका कोला का ब्रांड बिकता है, राइट। सो कोका कोला का जो ब्रांड है उसका जो वैल्यू है वो कितना होगा उसको भी मैं एसर्टेन करके उसका एक प्राइस पे करूंगा। सो दिस, और ये जो मैं ब्रांड खरीदा एक कंपनी ए से, ये ब्रांड को मैं
कौन सी एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूँ दैट विल बी क्लासिफाइड एज अदर एसेट्स। ओके, सो आप देख सकते हो कि कंपनी डी में जैसे 52% ऑफ इट्स टोटल एसेट इज इन अदर एसेट्स। सो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसने अभी कुछ हाल ही में कोई बड़ी कंपनी खाई है, मतलब एक्वायर किया है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एसेट्स आर इन फॉर्म ऑफ गुडविल। ओके, और क्या नोटिस कर सकते हैं? ओके, सो दिस इज प्रेटी मच एवरीथिंग। अगर हमें दोबारा आना पड़ा वापस तो हम लोग दोबारा आएंगे, बट दिस इज प्रेटी मच अबाउट इट। ओके, प्रेफर्ड स्टॉक को एक बार देख लेते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक, मैंने आपको समझाया था कि प्रेफर्ड स्टॉक उस वो टाइप के स्टॉक होते हैं जो मतलब जिनका डिविडेंड प्रेफर किया जाता है पे करना एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। और कंपनी जनरली अगर बहुत ट्रबल फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं है तो प्रेफर्ड स्टॉक इशू नहीं करती। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15% ऑफ कंपनी बीस जो का जो टोटल लाइबिलिटी है दैट इज प्रेफर्ड स्टॉक। और देख सकते हो मैक्सिमम कंपनी में 0.00000000 प्रेफर्ड स्टॉक है, बट कंपनी बी में 15% प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया है, मतलब इट मस्ट बी इन ट्रबल्ड फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी बी का तो अलग ही रुतवा है। एक बार कंपनी के बी में थोड़ा गौर करते हैं कि एसेट्स इसका क्या सीन है। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, मतलब लिक्विड एसेट में इसका 4% स्टेक है। अकाउंट्स रिसीवेबल में 4%, इन्वेंटरी में, मतलब काफी इन्वेंटरी हैवी कंपनी है अभी। ओके, काफी इन्वेंटरी हैवी कंपनी है। अदर करेंट एसेट 9% में, प्लांट एंड इक्विपमेंट 16% में, अदर एसेट्स 29% में। और लाइबिलिटीज कैसे इन एसेट्स को फाइनेंस करता है? नोट्स पेएबल में 0%, अकाउंट्स पेएबल में 22%, एक्रूड आइटम्स में 15%, अदर करंट लाइबिलिटीज में 9%, लॉन्ग टर्म डेट में 2%, अदर अदर लाइबिलिटीज में 17%, प्रेफर्ड स्टॉक में 15%, शेयर होल्डर्स इक्विटी में 19%। तो बी में एनोमली सिर्फ यही है कि काफी इन्वेंटरी हैवी कंपनी है और ये जो प्रेफर्ड स्टॉक इसने इशू कर रखा है। सिमिलरली अगर कोई और एनुअली फिगर दिखता है यहाँ पे, ये रहा एन को, अगर आप देखें तो एन का जो क्या सीन है, एन का अकाउंट्स रिसीवेबल बहुत ज्यादा है, एन का अकाउंट्स रिसीवेबल बहुत ज्यादा है और इसका बाकी सब 0.00, जैसे इन्वेंटरी 0 है, तो इससे पता चलता है कि ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। अदर करेंट एसेट 0 है और प्लांटेड इक्विपमेंट भी 0 है, तो इससे पता चलता है कि ये एक स्ट्रिक्टली सर्विस बेस्ड कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और 83% अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब 83% इसका जो टोटल एसेट है वो अकाउंट्स रिसीवेबल के फॉर्म में, मतलब डेटर्स के फॉर्म में। शायद ये भी ये हो सकता है कि इसका जो पैसा है वो डूब गया है ना, या फिर मतलब डूबने वाला है इसको, लेकिन राइट ऑफ अभी तक नहीं किया है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज शोन इन अकाउंट्स रिसीवेबल। इनका जो लायबिलिटी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा देख लेते हैं कि नोट्स पेबल में 50%, मतलब ये 50% जो है इसका टोटल लायबिलिटी का 50% जो है वो उधार चुकाना है। अकाउंट्स पेबल 21%, एक्रूड आइटम 0, अदर करंट लाइबिलिटीज 3%, लॉन्ग टर्म डेट 13%, बाकी सब ऑन एंड ठीक है। ओके, सो ठीक है, अब रेशियोस को हम लोग थोड़ी देर बाद वापस आएंगे या फिर कोई और फिगर से स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी। ओके, सो
हमने अब ए से लेके एन तक नाम देखा कंपनीज का, और यहाँ पे ये रहा जो सारी कंपनीज का नाम है। आप खुद अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को तो आप खुद ट्राई कर सकते हो कि आप पहले वो टेबल देखो, पूरा जो जितने भी फिगर्स है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और उसको इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री और कंपनी के साथ मैच करवाओ। जैसे मैं अगर क्या बोलते हैं उसको, मैं अगर एक एजम्पशन लेना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि लेट से एन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो एन से हमें पता चलता है कि इसका अकाउंट्स रिसीवेबल बहुत ज्यादा है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इट मस्ट बी एयरलाइन, नहीं हो सकता क्योंकि एयरलाइन में प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स लगते हैं। ओके, बुक स्टोर चेन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कमर्शियल बैंक हो सकता है आई थिंक। ओके, सो हम वी विल फिगर दैट आउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टारबक्स का एक बैलेंस शीट दे रखा है और यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन है। ओके, एसेट्स का आप देख सकते हैं, लाइबिलिटीज का आप देख सकते हैं, टोटल 100 आता है। ओके, यहाँ तक कुछ मतलब है सच सीखने वाला नहीं है, यहाँ पे जनरल जेनरिक बात कही गई है। यहाँ से मेन स्टार्ट होता है एसेट। एसेट हमें पता है कि एसेट वो प्रॉपर्टीज होते हैं किसी कंपनी का। ओके, जो विच कैन बी ट्रेडेड फॉर सम कैश, राइट? बिकॉज कंपनीज इन्वेस्ट इन एसेट इन ऑर्डर टू फुलफिल मिशन, इट इज क्रिटिकल टू डेवलप इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेट सेंस एसेट एट द कंपनी इटसेल्फ। हैगेंडाज़ फॉर एग्जांपल ओन्स द आइसक्रीम इट्स गोइंग टू सेल, फैक्ट्रीज मेक दैट आइसक्रीम। तो एसेट बेसिकली मतलब सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कंपनी ओन करता है। ओके, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नोटिस दैट कंपनी एफ एंड जी हैव मोर देन हाफ ऑफ देयर एसेट इन कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट स्ट्राइक यू एज स्ट्रेंज। व्हाई वुड एनी कंपनी होल्ड सो मच कैश? दिस इज अ डीप क्वेश्चन इन फाइनेंस टुडे एज कंपनीज होल्ड मोर कैश देन एवर बिफोर। इन एग्रीगेट 2 to 3 trillion dollars फॉर यूएस कंपनीज अलोन। एज वन एग्जाम्पल होल्ड मोर देन $250 billion इन कैश। वी विल रिटर्न टू दिस क्वेश्चन मोर डिटेल लेटर, बट कैश अंडरस्टूड एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अनसर्टेन टाइम्स, वॉर चेस्ट फॉर मेकिंग फ्यूचर एक्विजिशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ द एबसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले एसेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो एसेट्स में पहला जो आइटम आता है दैट इज कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मैंने जैसा कि बताया था कि कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जनरली लिक्विड आइटम्स आते हैं, राइट? लिक्विड आइटम्स आते हैं। यहाँ पे बोला है कि पार्टिकुलर कुछ कंपनीज जैसे कि एफ एंड जी, एफ एंड जी का अगर आप देखें तो 54 and 64% ऑफ टोटल एसेट्स आर इन लिक्विड कैश एंड कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो क्यों
कोई कंपनी अपना इतना ज्यादा पोर्शन कैश में रखेगा? अब ये भी बोल रहा है कि दिस इज बिकमिंग अ ट्रेंड वेयर मोर एंड मोर कंपनीज आर कीपिंग मोर कैश विद देम, राइट? तो किन्हीं तीन कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अनसर्टेन टाइम्स, वार चेस्ट फॉर मेकिंग फ्यूचर एक्विजिशन, या फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. ओके, इवन द फॉरगोन इंटरेस्ट इट इज अनवाइज फॉर कंपनीज टू होल्ड कैश अलोन फॉर द इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज. अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर बेसिकली द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके रखते हैं, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर वेरी इजी टू इन कैश. ओके, जब भी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ वहाँ से पैसा ले सकते हैं. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो केप्ट विथ इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट लिक्विड एसेट्स. उसके बाद हम आते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल पे. ओके, अकाउंट्स रिसीवेबल. सो अकाउंट्स रिसीवेबल बेसिकली उधारी होती है, राइट? अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब हम किसी से हमने किसी को सर्विस या गुड्स प्रोवाइड किया है, और उसके बदले वो मेरे को पैसा लौटाएगा. ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट अकाउंट्स रिसीवेबल मींस. यहाँ पे बोलते हैं बी एच आई हैव सच फ्यू रिसीवेबल्स. बी एच आई यहाँ पे 4%, 3% और 4% अकाउंट्स रिसीवेबल. तो इतना कम क्यों अकाउंट्स रिसीवेबल है, ये हमें हम फर्दर पता पता चलेगा हमें. यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन दिया है कि कंसिडर थ्री कंपनीज, वॉलमार्ट, स्टेपल्स. वॉलमार्ट क्या है? मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन. स्टेपल क्या? ऑफिस सप्लाईज चेन. इंटेल क्या है? सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर. व्हिच वन विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल रिलेटिव टू इट्स सेल्स? क्या लगता है आपको, कौन सा इन तीनों कंपनीज में से, जैसे कि एक रिटेल हो गया, रिटेलर हो गया, एक ऑफिस सप्लाई चेन हो गया, एक चिप मैन्युफैक्चरर हो गया, इनमें से सबसे ज्यादा अकाउंट्स रिसीवेबल किसके बैलेंस शीट में शो करेगा? आई थिंक इट हैज टू बी इंटेल, बिकॉज इंटेल जो है डायरेक्ट बी टू बी ट्रांजेक्शन ज्यादा करता है, बिजनेस टू बिजनेस. और बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि सपोज मैं कोई फसल ग्रो करके एक एंटिटी को बेच रहा हूँ, वो एंटिटी दूसरी कंपनी को बेच रही है, वो एंटिटी किसी और को बेच रही है, ऐसे करते करते फाइनल कंज्यूमर तक जाता है. फाइनल कंज्यूमर पे करता है, फिर ये अपने इसके ड्यूज पे करता है, ये इसके ड्यूज पे करता है, ये इसके ड्यूज पे करता है. सो व्हेन वन एंटायर ट्रांजैक्शन चेन इज कंप्लीट, देन ओनली द रेवेन्यूज आर रिसीव्ड, राइट? सो इन 2016 वॉलमार्ट अकाउंट बिलियन ऑन इट्स बैलेंस शीट 5.6 बिलियन और 1.1% ऑफ सेल्स. स्टेपल्स हैड 1.4 बिलियन इन अकाउंट्स रिसीवेबल और 6.7% ऑफ सेल्स, एंड इंटेल हैड 4.8 बिलियन और 8.9% ऑफ सेल्स. Companies like Intel that sell to other companies will have a higher amount of their sales reflected as receivables. देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि Intel जैसी कंपनीज जो बी टू बी ट्रांजेक्शन करती है, उनका ज्यादा अकाउंट्स रिसीवेबल में ज्यादा होता है. तो इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड हो गया, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई के नाम से भी जाना जाता है. नाउ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली प्लांट्स एंड मशीनरी इज पॉपुलरली नोन एज प्लांट एंड मशीनरी इन इंडियन अकाउंट्स. इंडियन मतलब इंडियन बुक्स में जनरली प्लांट एंड मशीनरी के नाम से जाना जाता है. बेसिकली दिस इज अ एसेट, दिस इज एन एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, राइट? दे टेक टाइम टू यू नो टू गेट लिक्विडेटेड. और अदर एसेट, अदर एसेट में क्या आता है? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आता है, मर्जर एंड एक्विजिशन.
देखिए जैसे कि मैं, कोका कोला हैज वेरी वैल्यूएबल ब्रांड, मे बी द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इट ओन्स, बट इट रियली डजंट नो एग्जैक्टली हाउ वैल्यूएबल इट इज. द अकाउंटेंट्स इग्नोर इट. दैट्स द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. द आइडिया दैट वी शुड इग्नोर समथिंग जस्ट बिकॉज वी डोंट नो इट्स प्रिसाइज वैल्यू इज ऑल्सो समथिंग दैट मेक्स मेनी पीपल इन फाइनेंस डिस्ट्रस्ट अकाउंटिंग. When a company buys another company, many intangible assets that couldn't previously be valued precisely now have a value according to accounting because someone actually paid for it as part of acquisition. तो जैसे कि मैंने बताया था कि merger and acquisitions होता है other assets में, और basically जो acquired company का जो goodwill का value है that is reflected in the acquirer's balance sheet as other assets. उसके बाद हम लाइबिलिटी सेक्शन पे आते हैं. सो लाइबिलिटी सेक्शन में लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी. सो दिस इज बेसिकली द हेडलाइन, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, अंडर विच फर्स्ट इज अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल एंड नोट्स पेबल. सो अकाउंट्स पेबल मतलब बेसिकली जिस तरीके से हम कोई, लेट्स से मैं एक बिजनेस हूँ और मैं पार्टिकुलर कुछ ए बी सी एक्स वाई जी डीलर से मैं इतना रुपए, लेट्स से 100 रुपीज, 200 रुपीज उनसे मेरा प्राप्त होने का उम्मीद है क्योंकि मैंने उन्हें पास्ट में कोई गुड्स और सर्विस प्रोवाइड किया था जिसके बदले वो मेरे को पैसा लौटाएंगे. इन अ सिमिलर वे, अगर मैं किसी और दूसरे कंपनी के खाते में इस तरीके से दर्ज हूँ, मतलब मैं अगर किसी और कंपनी के खाते में अकाउंट्स रिसीवेबल के दर्जे में शामिल हूँ तो दैट पार्टिकुलर पार्टी विल बी माय अकाउंट्स पेबल. ओके, मतलब इन सिंपल टर्म्स मेरे लिए जो डेटर है, दैट डेटर, फॉर दैट डेटर आई एम हिज क्रेडिटर. इन सिंपल, वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, एंड वाइस वर्सा. तो हमने अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल कवर कर लिया. एक्रूड आइटम्स, एक्रूड आइटम्स में क्या क्या आता है? अकाउंट्स ड्यू टू तो अदर्स एक्टिविटीज ऑलरेडी डिलीवर्ड, अमाउंट्स ड्यू टू अदर्स फॉर एक्टिविटी ऑलरेडी डिलीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल इन सैलरीज. ओके, एक्रूड आइटम्स में क्या आता है कि सपोज हमने किसी गुड्स या सर्विस के लिए पैसे ऑलरेडी पे कर दिए और वो गुड्स एंड सर्विस मुझे रिसीव होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता है सैलरीज का. सपोज मैं जो है सैलरीज मंथ के स्टार्टिंग में देता हूँ, सॉरी मंथ के एंड में देता हूँ, और मुझे किसी जरूरत के लिए मंथ के मिडिल में एक बैलेंस शीट बनाना पड़ गया, तो जो एम्प्लॉयज मेरे अंडर में काम करते हैं ना, उनका जो सर्विस है उनको कुछ अमाउंट, उनका जो सैलरी है जो महीने हाफ महीने हाफ मंथ के लिए काम किया है, उनको मुझे पैसा देना पड़ेगा उनका ड्यू, इवन इफ दे डोंट लास्ट टिल द मंथ एंड. सो देयर शेयर ऑफ मनी विल बी टर्म्ड एज अक्रूड आइटम्स. उसके बाद लॉन्ग टर्म डेब्ट, जैसे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज काउंटेड डेट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस टाइम बिकॉज़ इट एक्सप्रेस इंटरेस्ट रेट यू लाइक टू इनकर डेब्ट इन योर लाइफ, फॉर एग्जांपल. अच्छा, लंबा चौड़ा डेट, लंबा चौड़ा लोन जो उठाते हैं ना हम, कभी कभी कोई कंपनी लंबा चौड़ा लोन उठाती है किसी चीज को फाइनेंस करने के लिए. ओके, सो दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म डेब्ट, और इन पे जनरली बहुत भारी इंटरेस्ट आता है. प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक, बेसिकली मैंने समझाया है कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कॉमन मतलब इक्विटी, प्रेफर्ड मतलब प्रेफरेंस शेयर्स. देखिए यहाँ पे बोला है कि ओनली वन कंपनी, कंपनी बी हैज प्रेफर्ड स्टॉक. व्हाई इज दैट? फॉर दैट मैटर व्हाट इज दैट? हाउ कुड वन टाइप ऑफ ओनर बी प्रेफर्ड? प्रेफर्ड स्टॉक इज ऑफन कॉल्ड अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी क्लेम्स. लाइक डेब्ट, अ प्रेफर्ड डिविडेंड कैन बी फिक्स्ड एंड पेड बिफोर कॉमन स्टॉक डिविडेंड, बट लाइक इक्विटी, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेफर्ड स्टॉक जनरली कंपनीज इशू नहीं करती अनलेस एंड अंटिल दे हैव अ वेरी यू नो और टाइट फाइनेंशियल पोजिशन. वाई वुड अ कंपनी सच इशू सच ए सिक्योरिटी? अच्छा ये सब तो कवर कर लिया. वाई वुड अ कंपनी सच ए सिक्योरिटी? इमेजिन अ कंपनी दैट हैज हिट हार्ड टाइम्स एंड फेस रिस्की फ्यूचर. वाई यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द कॉमन स्टॉक इफ फेलियर वॉज अ रियल पॉसिबिलिटी?
And you would want to lend it only to get a fixed return that might not correspond to the riskiness of the business. Okay. Now, अब हम लोग जो आते हैं दैट इज रेशियोज पे आते हैं. तो रेशियोज में पहला जो आइटम है दैट इज लिक्विडिटी. और यहाँ पे बेसिकली बोला है कि रेशियोज क्यों, व्हाई आर रेशियोज रेलिवेंट. रेशियोज आर रेलिवेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ अ कंपनी सो दैट दे डू नॉट हैव टू एनालाइज वेस्ट टाइम इन एनालाइजिंग फिगर्स राइट थ्रू आउट द बैलेंस शीट. फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक कंपनी है जिसको जो लेट्स से बहुत इन्वेंटरी या फिर स्टॉक हेवी कंपनी है. लेट्स से मैं किसी ग्रोसरी स्टोर की बात कर रहा हूँ, तो शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से क्या मैं उस ग्रोसरी स्टोर में इन्वेस्ट करना चाहूंगा. दैट विल डिटरमाइन दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिटरमाइन बाई द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो विच बेसिकली मेजर्स कि एक साल में कितना बार इन्वेंटरी खाली होता है और फुलफिल होता है राइट. सो दिस इज हाउ कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेशियोज. फॉर एग्जाम्पल एक जो ब्रॉड कैटेगरी है दैट इज लिक्विडिटी. सो लिक्विडिटी के बेसिस में क्या एसर्टेन होता है कि एक कंपनी कितना लिक्विड है, किस हद तक वो लिक्विड है. लिक्विड है मतलब कितना कैश है उसके पास और कितना जल्दी वो डेब्ट पे कर सकता है. ये देखिए ए से लेके ये स्पेसिफिकली रेशियो वाला सेक्शन है. तो अगर हम रेशियो की बात करें तो करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज ए का है 1.12, बी का है 1. सी का, ओके डी का, ओके. सो करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटीज पहला हमारा रेशियो है, करंट रेशियो. करंट रेशियो क्या है? द करंट रेशियो आस्क अ क्वेश्चन बिहाफ ऑफ ए कंपनी सप्लायर, विल दिस कंपनी बी एबल टू पे इट्स सप्लायर्स इफ इट नीड्स टू क्लोज. ओके. सो करंट एसेट्स जो है मतलब जितना उसके पास, इन वेरी सिंपल टर्म्स, जितना उसके पास लेट्स से लिक्विडेटेड पैसा है, जितना उसको देना है लिक्विडेटेड पैसा लेट्स से. ओके. इन दोनों का रेशियो क्या है? इफ दिस इज मोर देन ग्रेटर देन वन देन दिस इज अ गुड सिंबल, क्योंकि ये दर्शाता है कि इवन आफ्टर मीटिंग इट्स इमीडिएट ऑब्लिगेशंस इट विल हैव सफिशियंट लेफ्ट ओवर कैश टू पे ऑफ इट्स रिमेनिंग डेटर्स. क्विक रेशियो, क्विक रेशियो क्यों यूज होता है? ओके. क्विक रेशियो यूज होता है सो दैट टू एसरटेन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई, जैसा कि मैंने बताया, कोई बहुत इन्वेंटरी हैवी बिजनेस है जैसे कि स्मार्टफोन कंपनी हो गया कोई. तो स्मार्टफोन कंपनीज में क्या होता है कि उनका इन्वेंटरी बहुत अनरिलायबल होता है. कोई भरोसा नहीं है कि कोई मार्केट में नया अपडेट आ गया और उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया था वो पिछला यूनिट सारा फालतू चला गया. तो इन दैट केस जो इन्वेंटरी उनके करंट एसेट में रिफ्लेक्ट करता है दैट इज अ फॉल्स नोशन. ओके. दैट इज वाई सम फॉर पार्टिकुलरली फॉर इन इन्वेंटरी हेवी व्हाट यू कॉल इंटर इन्वेंटरी हेवी इंडस्ट्रीज लाइक स्मार्टफोन इन्वेंटरीज आर जनरली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट. एंड दैट इज कॉल्ड क्विक रेशियो. उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी. सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस डिटरमाइन करते हैं कि एक कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है, या फिर हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, है ना. सो प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस में पहला रेशियो होता है प्रॉफिट मार्जिन, जो कि है नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू. ओके. कितना पैसा कमाती है नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इवेलुएट होता है, एराइज होता है. और टोटल रेवेन्यू, जितना पैसा या फिर जितना सेल्स करके रेवेन्यू कमाया है. ओके. सो दिस डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन. उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी. ओके. नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स का जो टोटल पैसा है
उसके अगेंस्ट में कितना नेट प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी। दिस रेशियो ऑफन कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर्स द एनुअल रिटर्न दैट शेयर होल्डर्स अर्न। इन पार्टिकुलर फॉर एवरी डॉलर ऑफ इक्विटी दैट शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, व्हाट इज दैट एनुअल फ्लो ऑफ इनकम। देखिए एग्जाम्पल देते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें, प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें, तो देखिए इंटरेस्टिंगली कंपनीज ए एंड बी हैव नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन्स, वाइल कंपनीज डी एंड एफ हैव प्रॉफिट मार्जिन्स अप्रोक्सीमेटली 25%। देखिए ए बी डी एंड एफ, राइट। ए की अगर हम लोग देखें तो ये रहा ए और बी का नेगेटिव नेट प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू। सेम फॉर नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। और डीएफ की बात अगर करें तो डी का जो है दैट इज 0.078 और 0.178, एफ 0.021 एंड 0.171। उसके बाद हम लोग आते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स पे। तो रिटर्न ऑन एसेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट, ओके। और ये रिटर्न ऑन एसेट मेजर करती है कि जो टोटल एसेट कंपनी ओन करती है उसके बदले किस कितना प्रॉफिट जनरेट करती है उसके अगेंस्ट में, ओके। ईबिटडा मार्जिन क्या होता है? ईबिटडा मार्जिन मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ओके। सो इन टैक्सेस कंपनी का जो टैक्स सिस्टम है दैट इज वेरी एम्बिगुअस, मतलब डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट टैक्स सिस्टम वर्क करता है। सो दैट इज वाई टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, समटाइम्स शेयर जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो वो ईबिटडा मार्जिन को भी कैलकुलेट करते हैं कि टैक्स कितना खा रहा है पार्टिकुलर कंपनी का। ओके, सो फाइनेंसिंग एंड लिवरेज। लिवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस एंड इट कोरिस्पॉन्ड्स रफली टू आवर प्रीवियस डिस्कशंस ऑफ फाइनेंसिंग एंड चॉइसेस कैपिटल स्ट्रक्चर। यू हैव इज फाइनेंस हु गॉट बीपीआई। ओके 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 ओके। सो लिवरेज मतलब क्या होता है? बेसिकली लिवरेज मतलब होता है कि मैं जो है मेरे पास 10 रुपए है लेकिन मैं 100 रुपए का एसेट यूज कर रहा हूँ। कैसे? 90 रुपीज का जो है मैंने लो किसी से उधार लिया है, किसी और का पैसा है 90 रुपीज, ओके। सो दिस इज कॉल्ड, दिस 90 रुपीज इज कॉल्ड लिवरेज। सो लेट्स से मैं कल को एक कंपनी खोलता हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है लेकिन मुझे कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 100 रुपीज चाहिए। तो 90 रुपीज का जो है मैं उधार ले सकता हूँ मार्केट से बाई डिफरेंट मीन्स, और दैट पोर्शन विल बी कॉल्ड लिवरेज। सो यहाँ पे बस यही समझाया गया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। जैसे कि अगर हम ये टेबल देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सपोज आपके पास 100 रुपए है और आपको आपने 100 रुपए का घर खरीदा, और दूसरे केस में आपके पास 500 रुपए का घर है लेकिन 100 रुपए सिर्फ आपने अपने पॉकेट से दिया, 400 रुपए आपने मॉर्गेज दिया है। तो दोनों केसेस में आपके पास अपने 100 रुपए का ही जो है अपने पॉकेट से एक्सपेंडिचर किया है, और बाकी जो 400 रुपए है अगर लेट्स से प्राइस होम का प्राइस बढ़ गया अचानक से, ओके, देन अगर 10% से बढ़ा तो 10% से बढ़ने का मतलब है ये 110 हो जाएगा, आपको 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। लेकिन इस केस में जो है 50 रुपीज बढ़ जाएगा, और 50 रुपीज
अब मॉर्गेज का दाम तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो अपने आपका जो अर्निंग हुआ दैट विल बी 50 रुपीज, बट इन केस इट गोज डाउन, लेट्स से डाउन बाय 10%, देन इन दैट केस जो 10 रुपए का लॉस है आपको, इन दिस केस आपको झेलना पड़ेगा, और इन दिस केस ये इसका प्राइस 450 हो जाएगा, मतलब 50 रुपीज लॉस हो जाएगा, वो भी आपको अपने पॉकेट से ही झेलना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम आते डेब्ट टू एसेट्स में। डेब्ट टू एसेट मतलब टोटल डेब्ट बाई टोटल एसेट। टोटल डेब्ट मतलब होता है कि ओके, सो लेवरेज में क्या होता है कि एक कंपनी दो तरीके से अपना जो है लेवरेज एक्वायर कर सकती है, एक होता है डेब्ट, दूसरा होता है इक्विटी। ओके, सो शेयर होल्डर्स एसर्टेन करते हैं कि एक कितना कर्ज है बेसिकली एक कंपनी का, जितना उसके पास एसेट है उसके कंपैरिजन में कितना उसके पास उसका कर्ज है। दिस इज डेट टू एसेट रेशियो। डेब्ट टू कैपिटलाइजेशन रेशियो में डेब्ट के साथ डेब्ट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी के साथ मतलब मेजर किया जाता है। एसेट टू शेयर होल्डर्स इक्विटी कि जितना एक कंपनी के पास एसेट है वो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी का कितना पोर्शन है, राइट। सो एसेट टू शेयर होल्डर्स इक्विटी में हम लोग क्यों यूज करते हैं? सो बेसिकली आपका लिवरेज जो है, लिवरेज कंसेप्ट है कि लिवरेज कंसेप्ट यही कहता है कि हमारे पास जितना धन है हम उससे ज्यादा जो है उसका एसेट परचेस कर सकते हैं। सो शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा कि कितना एसेट कंपनी का खुद का है, कितना उसने लोन वगैरह लेके खरीदा है? तो उसी के लिए एसेट टू शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो यूज किया जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज बेसिकली ईबिट बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब डेब्ट जो है उसके, आई टोल्ड यू दैट डेब्ट कम्स विद अ ह्यूज इंटरेस्ट, राइट। सो ईबिट बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बेसिकली कहता है कि एक कंपनी अपना जो टोटल अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस उससे कितना टाइम्स वो दैट अर्निंग इज कितना टाइम्स द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अंडरलाइंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, राइट। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्टिविटी पे। सो प्रोडक्टिविटी इज अ ह्यूज इंडिकेटर ऑफ अ कंपनीज परफॉर्मेंस। तो प्रोडक्टिविटी में क्या आता है देख लेते हैं एक बार। प्रोडक्टिविटी रेशियो में पहला जो रेशियो दैट इज एसेट टर्नओवर, विच इज रेवेन्यू बाई टोटल एसेट्स, मतलब जितना एसेट कंपनी ओन करती है उसके अगेंस्ट में वो कितना रेवेन्यू जेनरेट करे, या फिर सिंपल शब्दों में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने एसेट्स को कितनी अच्छी तरीके से और कितने प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है, दैट इज समथिंग दैट एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट्स। उसके बाद इन्वेंटरी टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई इन्वेंटरी। ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज बेसिकली, पढ़ लेते हैं एक बार, इन्वेंटरी टर्नओवर मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी टर्न्स ओवर और सेल्स एज इट्स इन्वेंटरी इज गिवन हियर। सो ओके, सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मेजर करती है कि एक साल में एक कंपनी कितना बार अपना इन्वेंटरी खत्म करती है सेल करके। जैसा कि मैंने बताया कि दिस रेशियो इज जनरली सीन बाय इन्वेंटरी हैवी, जनरली सीन इन केस ऑफ इन्वेंटरी हैवी कंपनीज लाइक ग्रोसरी चेन हो गया या फिर रिटेल सेल्स हो गया, तो जिसमें एक रिस्क रहता है कि मतलब इन्वेंटरी सेल नहीं होगा और हमारा पैसा डूब जाएगा। सो इन सच केसेस इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज
इट मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी टर्न्स ओवर और सेल्स इट्स इन्वेंटरी इन अ गिवन ईयर. द हायर द नंबर द मोर इफेक्टिवली द कंपनी इज मैनेजिंग इट्स इन्वेंटरी एज इट सेल्स प्रोडक्ट. बट बिकॉज इन्वेंटरी इज एसेंशियली अ रिस्की एसेट दैट नीड्स टू बी फाइनेंस्ड, हायर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज फाइनेंशियली वैल्यूएबल. उसके बाद हम डेज इन्वेंटरी भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, विच इज बेसिकली 365 या फिर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर बाई इन्वेंटरी टर्नओवर. जो हमने रेशियो निकाला था, लेट्स से 1.1.xx आया था. तो अगर हम लोग 1.25 भी अगर देखें, लेट्स से टू इन्वेंटरी, मतलब पिछली बार इन्वेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई इन्वेंटरी जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो था, लेट्स से 1.25 है. तो 365 बाई 1.25 करने से हमें एक नंबर आएगा, आई थिंक 100 समथिंग आएगा, 100 ले लेते हैं. तो दिस विल डिटरमाइन कि ऑन एन एवरेज एक इन्वेंटरी जो है स्टॉक वो कितना दिन लास्ट करती है. ओके. उसके बाद रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आता है, विच इज 365 इंटू रिसीवेबल्स बाई सेल्स. ओके. रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड मतलब बेसिकली आफ्टर ए कंपनी सेल्स इट्स इन्वेस्टर, इट नीड्स टू गेट पेड फॉर इट. तो जो सामान बेचती है, अगर क्रेडिट सेल्स करता है कोई कंपनी, तो कितने दिन में के अंदर वो पैसा हमें वापस मिल जाता है ना. उसके बाद लेट दी गेम बिगिन. हमें मतलब बेसिकली एसरटेन करना है कि हमने सभी चीज़ों को, एलिमेंट्स को समझ लिया एक बैलेंस शीट में. अभी हमें समझना है कि मतलब कौन सी कंपनी बैलेंस शीट में क्या है. सो सर्विस कंपनी, लुकिंग एट द रेशियो, सर्विस कंपनीज आर रिलेटिवली इजी टू स्पॉट सिंस दे प्रोवाइड सर्विसेज रादर देन टेंजिबल गुड्स. दे डोंट होल्ड इन्वेंटरीज विच पॉइंट्स टू कंपनीज ई जी एम एन. सो विच फोर कंपनीज कैन बी मैच टू ई जी एम एन? टू ऑफ द कंपनीज हैव सर्विस इन देयर नेम, द पार्सल डिलीवरी सर्विस एंड विच इज यूपीएस एंड द सोशल नेटवर्किंग सर्विस विच इज फेसबुक. ओके. ई जी एम एन, ई जी एम एन. सो दीज आर बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनीज. वाई? बिकॉज दे हैव लो इन्वेंटरीज, जीरो इन्वेंटरीज. ओके. और जो कंपनीज मैंने पहले भी बताया कि जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है उनके पास इंटरेस्ट मतलब इन्वेंटरी नहीं होती. उसके पास, उसके बाद ये वाला देखिए, अकाउंट्स पेबल में, सॉरी ई में अकाउंट्स, सॉरी अदर लाइबिलिटीज जो है दैट इज 38%, शेयर होल्डर सिक्योरिटी 78. ओके ओके ओके. सो एक डिटेल ईजीएमएन का जो है, हमें पता है कि ईजीएमएन सर्विस कंपनी से, और ये कौन सी कंपनी से वो हमें पता करना. तो पहले कंपनी एन को देख लेते हैं. सबसे पहले, विच कंपनी ओन्स रिसीवेबल दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू कलेक्ट. राइट. को लॉन्ग टाइम टू कलेक्ट कैसे पता चलेगा हमें? इन्वेंट 365 बाई इन्वेंटरीज रहे ना. कहाँ गया? ईबिट नहीं, ईबिट बाई इंटरेस्ट नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं, ये भी 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 नहीं. ये रहा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड डेज. सो ऑन एन एवरेज 41 डेज लगते हैं एक साइकिल खत्म होने में, जहाँ पे मैं क्रेडिट सेल्स करूंगा और मुझे पैसा अपना वापस मिल जाएगा. जी के लिए 52 डेज, एम के लिए 7 डेज, और एन के लिए व्हाट, 8,000 डेज. एन के लिए 8,000 डेज. नाउ व्हाई इज इट सो? 8,000 डेज बिकॉज इट इज अ बैंक. राइट. इट इज अ बैंक, और इसका जो काफी हद तक इसका पैसा जो है एनपीए में डूब जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में. वो खुद का द आंसर इज अ बैंक. बैंक्स आर डिफिकल्ट टू रिलेट टू बिकॉज द बैलेंस शीट आर मिरर्स ऑफ आवर ओन. द लोन्स दैट यू कंसिडर योर लाइबिलिटीज आर बैंक्स एसेट. सो द मॉर्गेज फ्रॉम योर हाउसिंग एग्जाम्पल इज एन एसेट फॉर अ बैंक एंड द डिपोजिट दैट यू कंसिडर योर एसेट एट द बैंक्स लाइबिलिटीज. इट्स नोट्स पेबल. सिटी ग्रुप हैज हाईअर अमाउंट ऑफ लिवरेज इन द ग्रुप, ए कैरेक्टरिस्टिक दैट इज ट्रू ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इन जनरल. देखिए, रिसीवेबल जो है कोई बैंक का, वो क्या बेसिकली क्या होता है? बैंक का रिसीवेबल मतलब उस टाइम कस्टमर्स, मतलब हम या आप जैसे कस्टमर्स का जो अकाउंट्स पेबल होता है, अगर हम
घर पे कोई बैलेंस शीट बनाए अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंडिचर्स का, उसमें जो अकाउंट्स रिसीव अकाउंट्स पेबल आएगा दैट इज बेसिकली बैंक का रिसीवेबल। एंड वाइस वर्सा, राइट? सो क्लियरली, और इनका जो है बैंक्स का अकाउंट्स पेबल या फिर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ये बैंक्स बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं। ओके, बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं। ओके, सो दैट इज वाई देयर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज ह्यूज। कैपिटल इंटेंसिव सर्विस प्रोवाइडर्स, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिमेनिंग थ्री कंपनीज? ई एम हैव मच मोर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देन दी अदर कंपनी इंक्लूडिंग कंपनी जी। साउथ वेस्ट एयरलाइंस एंड यूपीएस आर फंडामेंटल ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज एंड दे बोथ ओन प्लेन्स एंड अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट। टेक अ लुक एट द नंबर्स टू सी हाउ दे डिफर इन अदर एस्पेक्ट्स। सी कंपनीज ई एंड एम इन टेबल 110। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज बिटवीन दीज टू कंपनीज इज दैट कंपनी एम गेट्स पेड इन 7 days ऑन एवरेज, विच लाइकली मीन्स इट सेल्स मोस्टली टू इंडिविजुअल्स। इन कॉन्ट्रास्ट कंपनी ई टेक्स कंसिडरेबल लॉन्गर टू कलेक्ट, विच वुड सजेस्ट दैट इट्स मोस्ट लाइकली टू बी सेलिंग टू अदर बिजनेसेस। साउथ वेस्ट एयरलाइन सेल्स पीपल लाइक यू एंड मी एंड वी पे यूपीएस, वी पे इमीडिएटली, ओके सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसमें बेसिकली कहा है कि देखिए, एक सेकेंड, हमने एन एन आइडेंटिफाई कर लिया कि एन क्या है। एन इज बेसिकली बैंक। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड विच इज 8,000 days। तो बाकी कंपनी का अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलेगा कि रिसीवेबल कलेक्शन जो पीरियड है दैट इज 7 days ओनली फॉर एम। तो इससे हमें पता चलता है कि एम कंपनी, एम जो है डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ डील करता है ना। क्योंकि कस्टमर्स बहुत जल्दी पे कर देते हैं लेकिन बिजनेस जो है थोड़ा देर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं दी कैश रिच इक्विटी डिपेंडेंट सर्विस कंपनी। सो दी बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फेसबुक इज कंपनी जी। वाई फेसबुक इज कंपनी जी? बिकॉज सी कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज काफी, इसका इसका पोर्शन का काफी कैश है इसके पास, और तो हमें पता चल गया कि जी जो है दैट इज फेसबुक, बट डज इट कंफर्म टू व्हाट यू एक्सपेक्ट? कंपनी जी हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड लॉट्स ऑफ कैश। इज दैट कंसिस्टेंट विद जी बीइंग फेसबुक? फेसबुक इज द यंगेस्ट कंपनी ऑन द लिस्ट एंड इट हैज रिसेंटली गॉन पब्लिक इन 2013। ओके, बिकॉज वैल्यूज ऑन बैलेंस शीट आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस और एक्विजिशन, रिमेंबर दैट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। हाई इक्विटी कैन कोइंसाइड विथ यंगर कंपनीज, वट इट डू विथ ऑल द मनी दैट इट रेस्ड एट द टाइम इट हेल्ड द मनी इट रेस्ड इन कैश। सो हमने देखा कि कंपनी जी जो है दैट इज
इट हैज अ ह्यूज पोर्शन ऑफ इट्स एसेट इन एज कैश, और नया जो कंपनीज है दे बेसिकली राइज अ लॉट ऑफ कैश एंड दे कीप इट फॉर सम टाइम एज इन देयर हैंड फॉर मेजर एक्विजिशंस या फिर ऑपरेशंस के लिए, काफी हद तक जो कैश है वो अपने पास रख देती है। इसके बाद हम आते हैं रिटेलर्स पे। रिटेलर्स क्या होता है कि रिटेल सामान बेचता है। व्हेन रिव्यूइंग द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड वी सॉ दैट द कंपनीज वर डिवाइडेड बिटवीन दोज दैट कलेक्ट क्विकली एंड दोज दैट कंसिडरेबली लॉन्गर। व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज वुड कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स सो क्विकली? सिंस रिटेलर्स सेल गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज गोइंग टू बी शॉर्ट बिकॉज कस्टमर्स पे इमीडिएटली वाया कैश और क्रेडिट। इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस दैट डू बिजनेस विद अदर बिजनेस गिव क्रेडिट ऑफ मिनिमम 30 डेज। ओके, सो रिटेलर्स ए बी एच आई के, रिटेलर्स आर ए बी एच आई के, विच कंपनीज आर ऑन द लिस्ट आर रिटेलर्स दैट सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। अमेजॉन, बार्न्स नोबल्स, क्रॉजर, वॉलग्रीन्स एंड यम आर ऑल रिटेलर्स। वी कैन एक्सक्लूड नॉर्डस्टॉर्म हियर बिकॉज द चेन हैज इट्स ओन ब्रांड चार्ज कार्ड, सो इट्स कस्टमर्स अनलाइक दोज ऑफ द अदर कंपनीज कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू पे फॉर देयर परचेज थ्रू इट्स चार्ज कार्ड। नॉर्डस्टॉर्म बिहेव मोर लाइक ए बैंक देन ए रिटेलर। तो क्या कहता है कि रिटेलर्स जो है वो उनका बिजनेस अलग होता है इन द सेंस दैट दे डायरेक्टली डील विद कस्टमर्स, और इसलिए उनका जो क्या बोलते हैं क्रेडिट है, नंबर ऑफ डेज, तो वो काफी मतलब जल्दी होता है। ओके कंपनीज विद डिस्टिंक्टिव इन्वेंटरी पावर। सो विच कंपनी इन दिस ग्रुप वुड मूव इन्वेंटरी रियली क्विकली? कंपनी एज टर्न्स दैट देयर कंपनी एज टर्न्स दैट इन्वेंटरी 32 टाइम्स अ ईयर, सो दे हैव ओनली 11 डेज ऑफ इन्वेंटरी एट एनी वन टाइम। यू वुड होप दैट दिस इज यम एंड इन फैक्ट इट इज। सी ए बी एच आई के, इनका इनका मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि दीज आर रिटेल कंपनीज। नाउ व्हाई रिटेल कंपनीज? बिकॉज करंट एसेट कंट्रेबिलिटी नहीं, इन्वेंटरी टर्नओवर, ये रहा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से हमें पता चलता है कि दीज आर रिटेल कंपनीज। ओके, बिकॉज एज कंपेयर टू दी अदर्स इनका जो है इन्वेंटरी टर्नओवर काफी कम है। ए बी एच आई के देखिए, ए जो है उनका इन्वेंटरी टर्नओवर है 7.6, बी का 3.7, जहाँ पे सी का जो है विच इज नॉट ए रिटेल कंपनी, इनका सिक्स इनका जो है इन्वेंटरी टर्नओवर दैट इज 32.4। ओके, सिमिलरली ई का तो इन्वेंटरी टर्नओवर है ही नहीं, क्योंकि ई रिटेल कंपनी इन ई इन्वेंटरीज के साथ डील ही नहीं करती। दीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज ई। सो इन दिस वे हमने पढ़ा कि जो है ये ए बी एच आई के कंपनीज रिटेल कंपनीज है। सो यहाँ पे एक और बात किया गया है कि इसका जो इन्वेंटरी टर्नओवर है दैट इज कंपनी बी का दैट इज 3.7 टाइम्स इन अ ईयर, इन अ ईयर। तो ये रेशियो जिसका जितना लेट से ज्यादा होगा उतना बढ़िया है ना। यहाँ पे दिखाता है कि 3.7 टाइम्स सिर्फ इसका इस कंपनी का इन्वेंटरी सेल होके वापस रिफिल हुआ है। सो वी कैन एज्यूम दैट दिस इज अ बुक स्टोर कंपनी, बिकॉज क्या है कि बुक स्टोर का बिजनेस अभी नीचे जा रहा है तो सेल्स होता नहीं है, इसलिए जो है हम लोग खरीदते वरीदते नहीं है बुक किताब विताब, इसलिए इनका काफी समय तक पड़ा रहता है इन्वेंटरी में। कंपनी
Company B is also notable because it's losing money. Bookstores worldwide are disappearing. Book selling is a very tough business given the results of Amazon is negative profit margin. ओके सो नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन हमने देखा था, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि दे आर लूजिंग मनी. ओके प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट बाई रेवेन्यू, राइट? सो अगर हम हमें पता चलता है कि हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन दे आर नॉट वी आर नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट, इनफैक्ट देन इट बिकम्स नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन, राइट? और बी ने प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रखे हैं, तो उससे पता चलता है कि ये कितना ट्रबल्ड फाइनेंशियल पोजिशन में है. द फाइनल थ्री रिटेलर्स ए आई एंड के डिफर शार्पली व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ए आई के ए का प्रॉपर्टी प्लांट जो है दैट इज 22, इट इज 60 एंड इट इज 36. विद कंपनी ए हैविंग द लिस्ट ऑफ दैट, वी नो दैट टू ऑफ दिस कंपनीज हैव ब्रिक एंड मोर्टर ऑपरेशंस, सो अमेजोन एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस वुड हैव लोअर प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो ए जो है हमारा अमेजोन है, बट गिवन अमेजॉन्स पोजिशन इन टूडेज इकोनॉमी लेट्स फाइंड द कंफर्मिंग एविडेंस. वट एल्स इज डिस्टिंक्टिव अबाउट कंपनी ए दैट माइट कोइंसाइड विद वट वी थिंक अबाउट अमेजॉन. फर्स्ट कंपनी ए वॉज नॉट मेकिंग एनी मनी. इफ यू हैव फॉलोड अमेजॉन यू नो दैट इट्स नोटोरियस फॉर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स. वी विल एक्सप्लोर अमेजॉन फर्दर इन चैप्टर टू. द सेकेंड पीस ऑफ कन्फर्मेटरी एविडेंस इज दैट कंपनी ए हैज लार्ज अमाउंट ऑफ पेबल्स विच कुड मीन दैट इट इज इन ट्रबल और दैट इज ग्रांटेड इज क्रेडिट इजिली बाई द सप्लायर्स बिकॉज ऑफ इट्स साइज. Given the amount of cash that company A has, we know that they are not in financial trouble. So company A looks like Amazon with strong position in marketplace and power over its suppliers. That leaves us with two more, retail drug chain and grocer for INK. One big difference is that company I has considerably more property, plant and equipment than company K. Think about the last time you were in a grocery store or a drug store, which had a lot of equipment. Yeah. In the groceries business, managing the cold chain is really expensive. So the one with more equipment is probably the grocery store. But let's look for more clues. Company I also collects more quickly than company K. Further evidence that it's the grocer because grocery stores are more likely to get immediate payments. A significant fraction of drugstore revenue may come from insurance companies. Which would mean that drug stores would become a bit like B2B firm. And company I is in turning inventory faster as well. So क्या कहते हैं कि ये हमें पता चला कि अमेजोन है, क्यों पता चला? क्योंकि इसका जो कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ये काफी ज्यादा है और ये काफी ज्यादा है. और दूसरा क्या एविडेंस है कि इनका बहुत ज्यादा पेबल्स है. ओके अकाउंट्स पेबल में इसका 24% है. क्यों है? क्योंकि इसको लोग अमेजोन को लोग भरोसा करते हैं और इसलिए सब लोग इसको उधारी दे देते हैं. ओके उसके बाद हमने पढ़ा कि आई और के का क्या सीन है. तो आई और के में से कोई एक जो है दैट इज ग्रोसरी स्टोर एक है और एक है जो है मेडिकल स्टोर. तो आई अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि प्लांट एंड इक्विपमेंट आई का 60 है और ग्रोसरी स्टोर में ज्यादा प्लांट एंड इक्विपमेंट लगता है. तो वी कैन अज्यूम दैट आई इज ग्रोसरी, तो के बचता है विच विल बिकम मेडिकल स्टोर. द स्ट्रैगलर आफ्टर द रिटेलर्स एंड सर्विस कंपनीज वी आर लेफ्ट विथ अ मोटली क्रू. माइक्रोसॉफ्ट नॉर्डस्टॉर्म ड्यूक एनर्जी पी फाइजर एंड डेल दे आर प्रेजेंटेड इन टेबल 112. थ्री ऑफ द कंपनी सी डी एफ हैव बेयरली एनी पीपीई वाइल द अदर रिमेनिंग टू कंपनीज हैव वेरी सिग्निफिकेंट पीपीई. वन इज लाइकली ड्यूक एनर्जी विच हैज पावर प्लांट्स एंड द अदर लाइकली नॉर्डस्टॉर्म ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर. बट विच इज विच?
To double check, look at the three remaining companies and gauge their property, plant, and equipment. Dell, Pfizer, and Microsoft don't really do any heavy manufacturing, so the low levels of PPE make sense. Which of the two companies with significant property, plant, and equipment is Duke Energy, and which is Nordstrom? The key is differentiation factor is inventory. Nordstrom would have a large amount of inventory, while Duke Energy have a little, very little electricity can be stored. So, company L turns out to be Duke Energy, and company J is retailer Nordstrom. Also, the big EBITDA margin for company L means that it is generating a large amount of depreciation and amortization. That's what utilities do. And often, the utility industry people talk about EBITDA as opposed to profitability because they know how distorting all the depreciation amortization can be. One of the last three, Dell, Microsoft, Pfizer, noticed that company C has really low profit margin and companies D and F really have a stunning profit margin, EBITDA margin. Which of the following remaining three companies in the commodifying industry? Over the past 10 to 15 years, the laptop industry has become very commodified, which shows up as depressed profitability. That kind of commodification hasn't happened in software and pharmaceutical. Also, company C holds on to inventory for only slightly more than 10 days, which matches Dell's just-in-time business model. Dell begins manufacturing only after it takes order. As a consequence, it keeps inventory as low as possible. सो हमने हम अब स्ट्रैगलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनका जो है प्लांट एंड मशीनरी मतलब दीज आर बेसिकली क्या बोलते हैं उसको दे आर नॉट ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग हैवी साइट्स राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम सी डी एफ को देखें तो इनका प्लांट एंड मशीनरी ना के बराबर है 487 राइट. क्यों? क्योंकि दीज आर डेल माइक्रोसॉफ्ट एंड पी फाइजर ओके जिनका बिजनेस में जनरली चलता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग या फिर वैल्यूज दे आर जनरेटिंग. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर कोई बना दिया है ना. सो इनका ज्यादा जो है दैट इन्वेंटर सॉरी मैन्युफैक्चरिंग का काम इनका ज्यादा नहीं है इसलिए इनका प्लांट एंड मशीनरी कम लगता है. आइडेंटिफाइंग द लास्ट टू कंपनीज द टू कंपनीज लेफ्ट लुक वेरी मच लाइक विच मेक्स द लास्ट स्टेप द हार्डेस्ट. वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट कंपनी डी हैज अ लॉट ऑफ अदर एसेट्स विच मीन्स इट इज प्रोबेबली एन इंटेंजिबल कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री दैट हैज बीन कंसोलिडेटिंग. डी को अगर आप देखेंगे तो इनका अदर एसेट में बहुत ज्यादा हाई पोर्शन है. तो इफ यू फॉलो द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोबेबली सस्पेक्ट दैट डी इज पी फाइजर. पी फाइजर हैज हैड अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम फार्मासिया टू विद टू हॉस्पिटल एज द एंटायर इंडस्ट्री हैज कंसोलिडेटेड. सो डी इज पी फाइजर एंड एफ इज माइक्रोसॉफ्ट. अनदर पीस ऑफ कंफर्मेटरी एविडेंस कैन नीली शाउन यू सी दैट कंपनी डी हैज कंसिडरेबली मोर अदर लायबिलिटीज देन कंपनी एफ दैट टू इज कंसिस्टेंट विद डी बीइंग पी फाइजर एज इट हैज ओल्ड स्टाइल पेंशन प्लान. While Microsoft, as much as younger company, has a defined contribution pension plan, finally, you may know that Microsoft holds large cash balances, which corresponds to company F. Okay, so last के दो company बचे थे D और F. D और तो हमें पता चला कि D जो है वो that is that you know P Pfizer है. तो P Pfizer क्यों है? क्योंकि काफी merger and acquisitions के बाद इसका other asset इतना बढ़ गया है. और एफ जो है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट. उसके बाद हम लोग आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशियो में दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी डी ये डी यू यू पॉइंट फ्रेमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इतने सारे रेशियोज के बीच में कौन से रेशियो का यूज करे या फिर नहीं करे दैट बिकम्स क्वाइट हेक्टिक टू डिटरमाइन. तो डी यू पॉइंट फ्रेमवर्क की मदद से हम लोग डायरेक्टली रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पैरामीटर्स प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी एंड लेवरेज. ओके सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस नंबर्स इट इज इट पॉसिबल टू थिंक ऑफ एनी वन नंबर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ ऑल. Which of those many ratios is the most important for managers to focus on? This question is controversial, but many financial analysts focus on return on equity, since that number measures the return to owners who are arguably ultimate bosses within a company. Because ROE is a widely used measure, it is important to understand the factors that contribute to ROE.
The DU point framework method of analyzing a company's financial health ordinated by the DU point corporation is the early part of 20th century, provides a useful way to understand the levers of ROE. So, तीन मोटे मोटे मुद्दे पे चलते हैं. पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, कि कितना प्रॉफिट कमाता है कंपनी. प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्टिव अपने एसेट्स को कितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करता है. और लीवरेज, मतलब कितना अपने टोटल एसेट जो ओन करता है उसमें कितना वो खुद के पैसों से करता है और कितना वो उधारी लेके करता है ना. तो द डीयू पॉइंट फ्रेमवर्क इन एक्शन, लेट्स टेस्ट आवर न्यू फाउंड फाइनेंशियल इंट्यूशन बाई लुकिंग एट 10 वेरी डिफरेंट कंपनीज टू सी हाउ द डिटरमिनेंट्स ऑफ आरओई डिफर. विल ट्राई टू आंसर टू क्वेश्चन. फर्स्ट, विच ऑफ द फर्स्ट, तो हम लोग बेसिकली ड्यू पॉइंट फ्रेमवर्क का मतलब यूज करना भी सीखेंगे. तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, पहले बैंक ऑफ अमेरिकन कॉरपोरेशन रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज दैट इज 11.2 कैसे आया. प्रॉफिट मार्जिन जो कि है बैंक्स को, देखिए ड्यू पॉइंट जो है दैट इज किन्हीं तीन चीजों का मिलावट है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और लिवरेज. तो बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी जो है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और लिवरेज, तो बैंक्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है कैसे डिटरमाइन करते हैं लोग, प्रॉफिटेबिलिटी देख के, प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका प्रॉफिटेबिलिटी देख के कि ये कितना प्रॉफिटेबल है. तो प्रोडक्टिविटी बैंक ऑफ किसी बैंक का कैसे डिटरमाइन करते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो की, ये इसका जो एसेट है दैट इज तो हाँ, तो इसका प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर किया जाता है कि इसका एसेट जो है वो कितना बार बिकता है ना. क्योंकि इन्वेंटरी बोल के तो बैंक के पास कुछ होता नहीं है, तो इनका एसेट का टर्न ओवर रेशियो यूज किया जाता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द एसेट्स आर सोल्ड. वेट, लेट मी चेक इट, है ना. एसेट टर्नओवर ये रहा. रेवेन्यू बाय टोटल एसेट क्यों यूज किया जाता है. दिस रेशियो मेजर्स हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी इज यूज. अच्छा, ओके ओके ओके. तो बैंक्स का प्रोडक्टिविटी कैसे यूज किया जाता है, मेजर किया जाता है कि एसेट टर्नओवर रेशियो से, कि हाउ इफेक्टिवली इट इज यूटिलाइजिंग इट्स एसेट. और लिवरेज, इसका फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली है. सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये तीन पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन करके हम रिटर्न ऑन इक्विटी पे आते हैं. उसके बाद ये हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं. ऑफ द रिमेनिंग कंपनीज व्हिच हैज द हाईएस्ट लिवरेज एंड लोएस्ट लिवरेज, कैरोलिना पावर एंड लाइट हैज द हाईएस्ट लिवरेज एंड इंटेल हैज द लोएस्ट. व्हाई? वेरिंग लिवरेज लेवल्स ऑफ लिवरेज रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क बिकॉज इट इज अनवाइज टू पाइल फाइनेंशियल रिस्क ऑन टॉप ऑफ बिजनेस रिस्क. ओके, सो डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट जो है रिस्क क्यों होता है, सॉरी लिवरेज क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स पे डील करती है. फॉर एग्जांपल कैरोलिना एंड पावर को अगर हम लोग देखें तो इसका हाईएस्ट सबसे ज्यादा लिवरेज है कैरोलिना पावर. रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग ऑफ कोर्स, ये हमने मिस कर दिया. तो यहाँ पे इस सेक्शन में बेसिकली यही क्वेश्चन डील करते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, एसेट टर्नओवर किस कंपनी का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, फाइनेंशियल लेवरेज किस कंपनी का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है. तो ये आप लोग स्क्रीन से पढ़ सकते हैं. मैं इन पे डिटेल्स में नहीं ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ. ओके, तो लास्ट जो है हम लोग आते हैं टिम्बरलैंड कंपनी में. एक केस स्टडी टाइप का है ये. ओके, सो हम लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे. पहले आप देख लीजिए कि 1994 में इसका बैलेंस शीट कैसे दिखता था.
सॉरी इसका रेशियोस कैसा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी 11.9% था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 7.1% था, प्रॉफिट मार्जिन 2.8% था, ग्रॉस मार्जिन 35% था, टर्नओवर रेशियोस में एसेट टर्नओवर 1.3 था, जिससे हमें पता चलता है कि ये अब बिल्कुल प्रोडक्टिविटी मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यूज़ नहीं कर पा रहा है। इन्वेंटरी टर्नओवर 1.9, कलेक्शन पीरियड 73.5, जहाँ की इंडस्ट्री का नॉर्म है 39, तो इतना ज़्यादा कलेक्शन पीरियड कैसे था? क्योंकि इसका पैसा जो है वो मार्केट में फंस चुका है ना। प्रोफाउंड चेंजेस एट टिम्बरलैंड। टिम्बरलैंड अ मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर ऑफ रग्ड आउटडोर वियर वेंट थ्रू सम प्रोफाउंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यूरिंग द 1990s। लेट्स लुक एट इट इन 1994 रिलेटिव टू इट्स इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये वाला द एलिमेंट्स ऑफ द ड्यू पॉइंट फ्रेमवर्क आरओई प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड लेवरेज मेजर्स आर इन इटैलिक्स इन द टेबल। लुक एट दीज नंबर्स एंड कम अप विद एज मेनी कंक्लूजंस एज यू कैन। ट्राई टू टेल अ स्टोरी बाय कंपेयरिंग टिम्बरलैंड टू इट्स इंडस्ट्री। तो मेरा स्टोरी यही है कि देखिए भैया कलेक्शन पीरियड जो है इसका 73.5 है और 39.1 इंडस्ट्री नॉर्म है, तो इससे पता चलता है कि इसका जो पैसा है दैट इज मार्केट में फंस चुका है। मोर ओवर डेप्ट टू एसेट रेशियो इसका 68.5% है और इंडस्ट्री नॉर्म है 39%। दैट मीन्स ये काफी डेप्ट में भी फंस चुका है ना। तो द एलिमेंट्स ऑफ ड्यू पॉइंट फ्रेमवर्क आरओई प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी लेवरेज मेजर्स आर इन इटैलिक्स इन द टेबल। लुक एट द नंबर्स एंड कम अप विद एज मेनी कंक्लूजन एज यू कैन। ट्राई टू टेल अ स्टोरी बाई कंपेयरिंग टिम्बरलैंड टू इट्स इंडस्ट्री। फर्स्ट हाउ इज टिम्बरलैंड डूइंग। इफ आई वर द सीईओ आई वुड एम्फसाइज दी दैट द आरओई 11.9% इज प्रीटी मच द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 12.3%। सो आई वुड कंक्लूड दैट द कंपनी इज डूइंग ग्रेट। वुड यू एग्री व्हेन वी डू अ ड्यू पॉइंट एनालिसिस हाउएवर अ डिफरेंट स्टोरी इमर्जेस। वेयर इज ऑल द आरओई कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी? नो नो, टिम्बरलैंड इज अंडर परफॉर्मिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। फ्रॉम प्रोडक्टिविटी? नो, इट्स अंडर परफॉर्मिंग देयर एज वेल। टिम्बरलैंड आरओई इज कमिंग लार्जली फ्रॉम लेवरेज। सिंस इट्स आरओई कम्स फ्रॉम लेवरेज दैट मीन्स इट्स कवर कमिंग पुअर ओवर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बाय मेकिंग इट्स ओनर बियर मोर रिस्क। दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद आरओई। एज वैल्यूएबल एज इट इज लेवरेज हैज अ वे ऑफ इन्फेक्टिंग द फाइनल कैलकुलेशन। दैट्स व्हाई सम पीपल टर्न टू स्लाइटली डिफरेंट मेजर्स लाइक रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल। दिस मेजर्स टेक आउट द co-founding influences of leverage and show that managers at Timberland deploy capital less efficiently than their peers. So, हमने दो observations निकाले इस balance sheet से, और हम अगर इसका जो है ड्यू पॉइंट फ्रेमवर्क एनालिसिस करें जो कि है प्रोडक्टिविटी इंटू एक सेकेंड प्रॉफिटेबिलिटी इंटू प्रोडक्टिविटी इंटू लिवरेज, तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इसका क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन इसका उतना अच्छा नहीं है, 2.8 है, जब जबकि इंडस्ट्री मीडियन 4.2 है। तो प्रॉफिट में जो इसका जो आरओई है वो प्रॉफिट से तो नहीं आ रहा है। फिर ड्यू पॉइंट का जो दूसरा मुद्दा है दैट इज प्रोडक्टिविटी। क्या प्रोडक्टिविटी से आ रहा है? एसेट टर्नओवर इसका 1.3 है, जो कि आसपास इंडस्ट्री नॉर्म के आसपास ही, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसका जो है क्या बोलते हैं उसको, लेवरेज जो है, एसेट टू इक्विटी लेवरेज बहुत ज्यादा है, डेब्ट टू एसेट, मतलब ये जो कंपनी है ये बहुत ज्यादा अपने इन्वेस्टर्स को खतरे में डाल रहा है, इन्वेस्टर्स को खतरे में डाल रहा है। सो दिस इज नॉट अ डिजायरेबल ट्रेड टू फॉर एनी कंपनी टू हैव, राइट? रिटर्न ऑन कैपिटल आर ओ सी ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट मेजर एज इट रिटर्न ऑन कैपिटल, राइट? सो रिटर्न ऑन कैपिटल ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट मेजर एट इट एज इट कंसिडर्स बोथ कैपिटल प्रोवाइडर्स एंड देयर कंबाइंड रिटर्न। वॉट इज देयर कंबाइंड रिटर्न? द रिटर्न टू कैपिटल प्रोवाइडर्स इज ऑल ऑपरेटिंग इनकम और ईबीट आफ्टर टैक्सेस ऑल्सो नोन एज ईबीएट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल ऐसे मेजर किया जाता है, ईबीएट बाई डेट प्लस इक्विटी। ईबीएट क्या है? ईबीएट इज
earning before interest and taxes by debt plus equity. Okay, so this is return on capital. Other numbers also alert us to Timberland's underperformance. Look at interest coverage on times interest earned number, which is measured how many times it can cover its interest payments with operational earning. It is less than 3, while for the rest of the industry it's close to 10. What does that mean? The company is a second. ये रहा टाइम्स इंटरेस्ट अर्न की, अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट का जो रेशियो है, अगर आपको याद होगा तो दैट इज बेसिकली अर्निंग ईबिट, ईबिटडा मार्जिन, राइट? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बाई इंटरेस्ट. सो आपको आपको पता चलेगा कि 2.9 टाइम्स सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पे कर सकता है, जबकि इंडस्ट्री का जो एवरेज है दैट इज 9.1. तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कैश स्ट्रैप्ड है और उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है जिससे वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस की मदद से इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट को मतलब चुकता कर सके, है ना? नाउ लेट्स लुक एट टिम्बरलैंड्स ऑपरेशंस. ऑपरेशंस क्या कहता है? इट्स इन्वेंटरी टर्नओवर इज कंसिडरेबली लोअर देन रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. सेकेंड, इट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज रियली आउट ऑफ वैक विद द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, 73.5 वर्सेस 39.1. There could be a few causes of the long collection period. The first is bad management that is not doing being aggressive about collecting cash owed to the company. Alternatively, it could be imprudently generous with its credit to stimulate sales. More dangerously, Timberland could have customers with outstanding debts that have been outstanding for more than 200 days, with little likelihood of ever paying them. जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में पैसा फंस गया है. तो the numbers a year later. तो एक साल बाद इसका क्या सीन है देखते हैं. 1995 में अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी -8.2%, मतलब इसका जो है प्रॉफिट बाय इक्विटी, प्रॉफिट नेगेटिव में चल रहा है, प्रॉफिट तो अर्न कर ही नहीं रहा है और इसका जो है अपना जो मतलब कैपिटल है, कैपिटल से पैसा देना पड़ रहा है हमें, है ना? तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस हुआ है टू बी प्रिसाइज. इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस होता है जब नेट लॉस होता है कंपनी का. सिमिलरली प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव है, मतलब लॉस हुआ है. तो 1995 में इसने भारी लॉस झेला है. तो नंबर्स फ्रॉम 94 टू 90, उसके बाद हम लोग देखते हैं. तो अगर आप देखोगे तो 95 के बाद 96 से दिस कंपनी स्टार्ट्स टू टर्न अराउंड, राइट? 12.3 अचानक से बढ़ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब सडनली प्रॉफिट कमाने लगती है. तो इससे पता चलता है कि और इसका जो डेब्ट टू एसेट है दैट वो भी अच्छी, मतलब धीरे धीरे वो इंडस्ट्री मीडियन की तरफ टेंड कर रहा है. देखिए 63.2, फिर 48.8, मतलब धीरे धीरे अपने डेब्ट को जो है वो रियलाइज कर रहा है ना, पे ऑफ कर रहा है. तो द अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूज इन 1998. टिम्बरलैंड वॉज स्टिल अचीविंग ROIs दैट वर ट्वाइस द इंडस्ट्री एवरेज, बट नाउ द ROIs वाज कमिंग इन एंटायरली फ्रॉम एग्जैक्टली द राइट प्लेसेस. ROIs वाज नॉट कमिंग फ्रॉम लेवरेज और प्रोडक्टिविटी, इट वाज कमिंग फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी. सो व्हाट हैपेंड दैट नियर डेथ एक्सपीरियंस प्रॉम्प्टेड अ मूव अवे फ्रॉम फैमिली मैनेजमेंट एंड टुवर्ड्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट. तो टिम्बरलैंड जो है फैमिली मैनेजमेंट से मूव करके प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ओर लेके चला गया, जिससे क्या हुआ कि कंपनी का जो है वो कायापलट हो गया. धीरे धीरे वो प्रॉफिट जनरेट करने लगी. दैट चेंज अकॉम्पनी टिम्बरलैंड बिकमिंग द चोजन ब्रांड फॉर हिप हॉप आर्टिस्ट, विच लेड टू रिमार्केबल टर्न अराउंड इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? यू कैन यूज द फाइनेंशियल रिसोर्स एंड नंबर्स टू टेल अ स्टोरी अबाउट एनी कंपनी ओवर टाइम. यू कैन प्ले डिटेक्टिव एंड क्रिएट अ नैरेटिव सो दीज नंबर्स मेक्स मोर सेंस. द नंबर्स आर अवेलेबल फॉर कैंस ऑफ कंपनीज एंड यू कैन एनालाइज देम. तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर से मोटा मोटा, ये है कि फाइनेंशियल रेशियोज को हम लोग यूज करके एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसको हम लोग पता कर सकते हैं, है ना? और हम एक नैरेटिव भी डाल सकते हैं कि इस वजह से ये हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये माइनस फिगर से अचानक से 1996 में 12.3
पॉजिटिव फिगर हो गया, तो इससे हमें पता चला कि ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगी, प्रॉफिटेबल हो गई। तो दिस एंड्स दी मार्क ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल क्विकली मेक सम नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। तो इस टोटल चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज फाइनेंशियल रेशियोज एंड दूसरा इज ड्यू पॉइंट फ्रेमवर्क। ओके, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो फाइनेंशियल रेशियोस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं तीन पार्ट में। पहला है लिक्विडिटी रेशियोस, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस, तीसरा है लेवरेज रेशियोस। इसके लिक्विडिटी रेशियोस में क्या के अंदर क्या क्या आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस के अंदर क्या क्या आता है, और लेवरेज रेशियोस के अंदर क्या क्या आता है। सो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर करंट रेशियो, विच इज करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशियो विच इज करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी बाय करंट लाइबिलिटी। ओके, सो दीज टू कम्स अंडर लिक्विडिटी रेशियोज, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर क्या क्या आता है, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू, उसके बाद जो है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, ईबिटडा मार्जिन, बस। और उसके बाद लिवरेज रेशियोस में क्या क्या आता है, डेब्ट टू एसेट, डेब्ट टू कैपिटलाइजेशन, एसेट टू शेयर होल्डर्स एंड इंटरेस्ट कवरेज। ओके, सो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं लिक्विडिटी का मतलब फॉर्मूला जो है देख लेते हैं। तो पहला हेडिंग जो आता है दैट इज लिक्विडिटी। उसके अंदर में जो है करंट रेशियो,
करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, दूसरा जो आता है दैट इज क्विक रेशियो विच इज करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी बाय करंट लायबिलिटी, तीसरा जो है दैट इज सॉरी नेक्स्ट जो है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसमें पहला जो आता है दैट इज प्रॉफिट मार्जिन, विच इज नेट प्रॉफिट बाई रेवेन्यू, दूसरा जो आता है दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है दैट इज नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तीसरा जो है दैट इज रिटर्न ऑन एसेट बाय नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट दैट इज नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट। और लास्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का दैट इज एबिटडा मार्जिन, दैट इज एबिटडा बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू है ना। तो उसके बाद हम आते हैं लिवरेज रेशियोज पे। तो लिवरेज रेशियोज क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि लिवरेज रेशियोज वो होते हैं जो हमें डिटरमाइन कराने में हेल्प करती है कि कंपनी का जो एसेट फंड करी है वो कहाँ से कर रही है, डेब्ट से या फिर खुद के पॉकेट से या फिर कैसे। पहले नंबर पे जो आता है दैट इज डेब्ट टू एसेट, टोटल डेब्ट बाय टोटल एसेट। नेक्स्ट जो है दैट इज डेब्ट टू कैपिटलाइजेशन, डेब्ट बाय डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। विच इज डेब्ट बाय डेब्ट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेक्स्ट है विच इज एसेट टू शेयर होल्डर्स,
और लास्ट जो टर्म है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, नाउ देर इज वन मोर स्ट्रीम टू दिस जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली एक सेकेंड। या सो वन मोर स्ट्रीम हियर इज प्रोडक्टिविटी रेशियो। फर्स्ट में आता है एसेट टर्नओवर, नेक्स्ट आता है इसका इन्वेंटरी टर्नओवर, के बाद आता है डेज इन्वेंटरी, और चौथा इसका आता है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। तो इसको हम लोग यहाँ पे ही लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट एसेट टर्नओवर रेशियो जो है सॉरी रेवेन्यू बाय टोटल एसेट। के बाद इन्वेंटरी टर्नओवर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय टर्न इन्वेंटरी। डेज इन्वेंटरी इज 365 बाय इन्वेंटरी टर्नओवर। और रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज नॉट सो इम्पोर्टेंट सो वी आर नॉट कवरिंग दिस। सो इट्स बेसिकली सॉरी इट इज इम्पोर्टेंट इंडीड। सो इट इज 365 इंटू रिसीवेबल्स बाई बाई सेल्स है ना। सो दीज आर ऑल द मोटा मोटा रेशियोज दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। ओके और अभी दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे नाउ दैट इज डी यू पॉइंट फ्रेमवर्क, यहाँ पे पढ़ेंगे।
सो ड्यू पॉइंट फ्रेमवर्क में क्या कहता है कि आर ओ इक्वल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी इंटू प्रोडक्टिविटी इंटू लेवरेज, है ना? सो दिस इज बेसिकली द ड्यू पॉइंट फ्रेमवर्क। So with this we end our today's chapter. Okay. So these are the things that we have learned from chapter one of the book How Finance Works by Mihir Desai, and we will be soon covering the next chapter as well. Thank you.